फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक लड्डू की रेसिपी, जो कि सर्दियों के मौसम में खाने से जोड़ों में जो दर्द होते हैं उससे राहत मिलेगा आपको। और इसके अलावा जो है, जो जिनके बच्चे हो चुके हैं, मतलब आफ्टर डिलीवरी जो है, नॉर्मल डिलीवरी वाले तो इससे मतलब खा सकते हैं डिलीवरी के बाद, लेकिन जिनकी सीजेरियन डिलीवरी है वो जो है इस लड्डू को खाएंगे 2 या 3 महीने के बाद। जैसा कि मेरा भी सीजेरियन डिलीवरी है तो इस लड्डू को मैं खा रही हूँ 4 महीने के बाद, बिकॉज ये लड्डू जो होता है काफ़ी गर्म होता है, तो सीजेरियन वालों को जो है सजेस्ट नहीं किया जाता है तुरंत खाने के लिए। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए और कैसे इसे बनाना है। और ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो मेरी जो हेल्प करेंगी वो है आरती भाभी और नीतू भाभी, जो मेरे पास रहती हैं। तो चलिए आपके साथ मैं शेयर करती हूँ इस अच्छे से रेसिपी को, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये है नीतू भाभी जिन्होंने इस रेसिपी को बनाया है। कि आप देख सकते हैं मैंने सारा सामान जो है वो मंगवा लिया है लड्डू को बनाने के लिए। तो चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ इस लड्डू को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है छुहारे। सो इसके लिए हमें चाहिए छुहारे और ड्राई फ्रूट्स के जो भी आइटम हैं, जैसे यहाँ पे मैंने काजू लिया है। सो आप ड्राई फ्रूट्स जो है वो अपने अंदाज से डाल सकते हैं, आपको जितना डालना है। तो ये है काजू और यहाँ पे मैंने अखरोट भी मंगाया है, वॉलनट है ये। सो ये वॉलनट भी जो है इस लड्डू में लगेगा। और यहाँ पे मैंने 50 ग्राम जो है दालचीनी लिया है, सो ये भी यहाँ पे यूज़ होने वाला है। और यहाँ पे मैंने 50 ग्राम जो है गोंद आता है, जो ये गोंद है, सो ये भी मैंने यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। सो ये है गोंद। और इसके अलावा जो है इसमें आपको चाहिए होगा साबुत जीरा, तो यहाँ पर मैं साबुत जीरा भी यूज़ करूँगी। और यहाँ पे ये जो है आप देख सकते हैं ये है नारियल का पाउडर, अगर आप चाहे तो जो गड़ी होता है उसे भी आप क्रश करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ यूज़ किया है नारियल का जो बुरादा आता है उसे यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको चाहिए होगा गुड़, और गुड़ जो है आपको 1 किलो चाहिए। सो यहाँ पर गुड़ मैंने लिया है। और फ्रेंड्स, आपको चाहिए 250 ग्राम, यहाँ पर ये है कच्ची वाली हल्दी, जो कच्चा हल्दी होता है उसे यूज़ किया जाएगा इस लड्डू को बनाने में। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने 250 ग्राम आंवला और 250 ग्राम अदरक जो है, बिना रेसे वाला जो अदरक है उसे लिया है मैंने। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इतनी सारी रेसिपी है। और इसके अलावा इसमें हमें यूज़ करना है हरी वाली इलायची और लौंग। सो ये सारी रेसिपी, मतलब ये सारे इन्ग्रीडियंट्स जो हैं आपको यूज़ करना है लड्डू को बनाने के लिए। और सॉरी, एक और इंग्रेडिएंट्स है जो छूट चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या है। फ्रेंड्स, ये है मेथी। सो यहाँ पे आपको मेथी भी यूज़ करना है, तो मेथी को कैसे यूज़ करना है मैं आपको बता दूँगी। फ्रेंड्स, ये जो है आप देख सकते हैं ये है मेथी, और यहाँ पे मुझे 50 ग्राम जो मेथी है उसे यूज़ करना है। सो अभी जो है इस मेथी को मैं जो है गर्म करूँगी कढ़ाई में, और गर्म करने के बाद जो है इसका फाइन पेस्ट बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेथी को जो है मैं बस कढ़ाई में गरम करूंगी हल्का सा, इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। और इसको जो है मिक्सर में बिल्कुल अच्छे से पाउडर बनाना है। और जब आप लड्डू बनाएं तो उसके एक रात पहले जो है आपको ये करना है। जैसे कि मैं कल लड्डू बनाऊंगी तो मैं आज रात को जो है इसे भून कर पाउडर बनाऊँगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये गर्म हो चुका है, तो मैं अब गैस को बंद करूँगी, ज़्यादा देर आपको नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे मिक्सर जार में डाल दिया है और अब इसे मैं फाइन पाउडर बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पाउडर बिल्कुल बन चुका है और इसकी खुशबू जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। सो अब मैं इसे बर्तन में डालूंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है 50 ग्राम जो है मेथी का मैंने पाउडर बनाया है, और यहाँ पर एक बड़े ग्लास से जो है मुझे 2 ग्लास पानी इसमें डालना है। ये मैंने 1 ग्लास पानी डाला अभी, और फ्रेंड्स ये है दूसरा ग्लास। और अब जो है मैं इसे रात भर भिगोऊंगी। आप देख सकते हैं मेथी को जो है मैंने पाउडर बना के रात भर के लिए भिगोया था, सो ये अच्छे से भीग चुका है। सो इसका यूज़ हम करेंगे लड्डू को बनाने के लिए। तो चलिए पहले अदरक और जो
हल्दी है उसे मैं अच्छे से छील लेती हूँ और तैयार करती हूँ लड्डू को। सो आप वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा ज़रूर इस रेसिपी को एक बार। तो फ्रेंड्स, आप दालचीनी जो है अपने हिसाब से ले, 50 ग्राम मैंने कहा था, बट आपको जितना टेस्ट में पसंद है उतना ही ले अंदाज से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैं खड़े मसाले जो दालचीनी है, लौंग है और हरी वाली इलायची है, इन तीनों को जो है मैं हल्का सा गर्म कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जीरा है, जीरा भी मैंने यहाँ पे 50 ग्राम यूज़ किया है, उसे भी मैं गर्म कर रही हूँ। और कढ़ाई में जो है हमें क्या करना है, घी को डालकर जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको एक एक करके तलना है। यहाँ पे आप ये दे सकते हैं, ये है गोंद। सो यहाँ पे पहले मैंने जो है गोंद को फ्राई किया है, आप देख सकते हैं गोंद कितना अच्छा लग रहा है फूल के। सो यहाँ पे घी में जो है गोंद को फ्राई करना है, और जो काजू है और जो बादाम है आलमंड, इसको भी सेम उसी तरीके से आपको फ्राई कर लेना है घी में। और तब तक जो हमने मसाले गरम कर लिए थे उनको अच्छे से पाउडर बनाना है, और उसे जो है आप छन्नी से छान ले। और फ्रेंड्स, अब जो है ड्राई फ्रूट्स जो भी थे उसे हमें क्या है अच्छे से पाउडर बनाना है पीस के मिक्सर में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आलमंड, तो आलमंड को भी आपको घी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो खजूर है उसके बीज को आपको अलग कर लेना है। और जो कढ़ाई में घी था, मतलब यहाँ पे देसी घी यूज़ हो रहा है, मैंने आपको नहीं बताया था इंग्रेडिएंट्स में, यहाँ पे घी भी आपको चाहिए। तो देसी घी में जो मैंने मेथी भिगो के रखा था ना, उस मेथी को आपको घी में फ्राई करना है। और तब तक जो हल्दी है, अदरक है, इन सबको मैंने छील कर अच्छे से, और आंवला को भी उसके बीज को निकाल दिया है। और अब जो है अदरक को भी आपको मिक्सर जार में पीस लेना है, और हल्दी को भी आपको पीसना है मिक्सर जार में। तब तक यहाँ पे जो है मेथी भी भुन रहा है। सो इस तरीके से अदरक को, हल्दी को और आंवले को आपको पेस्ट बना लेना है। और जो मेथी जो हमने भुना था उसमें ही आपको इन तीनों को डालकर फ्राई करना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हल्दी हो गया आपका, अदरक और एक और आंवला था, उन तीनों को पकाया जा रहा है। और उसे कम से कम नहीं भी तो आपको आधा घंटा से 45 मिनट फ्राई करना है, ताकि उसका कच्चापन जो है वो निकल जाए। और तब तक जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स बनाए थे उनका अच्छे से पाउडर बना लेना है खजूर का। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि घी कम है तो आप घी को ऊपर से भी डाल सकते हैं। सो घी डालने से जो है ये जो है कढ़ाई में चिपकेगा नहीं। सो यहाँ पर ऊपर से भी घी यूज़ किया जा रहा है, और यहाँ पे मैंने गाय का शुद्ध देसी घी यूज़ किया है। और फ्रेंड्स, इसे बहुत ही पेशेंस के साथ बनाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है इसे बनाने में। सो भाभी ने बहुत मेहनत से इसे बनाया है, और बस मैंने उनकी हेल्प की है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फ्राई करते करते ये रिड्यूस होके इसका कलर थोड़ा चेंज हुआ है, और जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे उसका जो पाउडर बनाया था हमने, यहाँ पर उसे हमने मिक्स किया है। और यहाँ पर एक और चीज़ था, नारियल का जो पाउडर था ना, उसे भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। सो जीरे का, दालचीनी का और इलायची पाउडर और जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे, नारियल थे, जितने भी थे, इन सबको हमने पाउडर बनाकर यहाँ पे मिक्स कर दिया है। और ये लास्ट में आपको क्या करना है, जो गुड़ है आपको यहाँ पे 1 किलो गुड़ यूज़ करना है। सो आप गुड़ जो है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं ये देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। सो अच्छी तरीके से आपको मिलाना है। इसे बनाने में लगभग 2 घंटे का टाइम तो लगता ही है, तो ये बनकर बिल्कुल तैयार है। और जब ये ठंडा हो जाएगा 3 से 4 घंटे के बाद, या आप फ्रिज में रख सकते हैं, तो उसके बाद आप इसको लड्डू की तरह बना सकते हैं। और इसे आप 1 से 2 ही खाएँ, ज़्यादा नहीं खाएँ।